कल्याण के देवता शिव, मंगल के देवता शिव, शुभ के देवता शिव, लाभ के देवता शिव, सर्व समर्थ बनाने वाले देव शिव, पर्वतों को हीरे मोतियों में बदलने वाले शिव और सारी सृष्टि के संहार करता शिव, वो शब उनका भोजन है, शमशान के वासी है और पर्वत पर विराजमान है, परम योगी है। और पार्वती जी, महाकाली उनकी पत्नी है, वीरभद्र और महाकाली भैरव, खैर उनके गणों की और उनके संख्या काफ़ी है, लेकिन जो भैरव हैं और जो काली हैं, तो काली के पुत्र भैरव हैं और काली जो है भगवान शंकर की पत्नी है। और इस मंगलमयी कल्याणमयी भगवान शंकर का नाम ही कल्याणमयी है। भगवान शंकर का नाम जिस घर में लिया जाता है, उच्चारण किया जाता है, यहाँ पर भगवान शंकर के, यहाँ हम बहुत से मंत्रों के भेद खोलेंगे और हर कामना पूर्ति का एक अलग मंत्र होता है, उन मंत्रों का भी यहाँ वर्णन करेंगे इस फिल्म के अंदर। तो वो भगवान शंकर जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत भोले भी हैं, लेकिन उनके हाथ में त्रिशूल भी है, यानी भाले, भोले भाले, भाला भी है, त्रिशूल भी है। तो इसलिए जो शंकर का नाम नहीं लेता, शिव का नाम जिस घर में नहीं लिया जाता, वहाँ कभी भी मंगल और कल्याण ये हो ही नहीं सकता। वहाँ पर अमंगल और पैशाचिक शक्तियाँ, भूत प्रेत और नेगेटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं आज के ज़माने में, नकारात्मक ऊर्जा, या वहाँ पर उपद्रव उत्पात स्वतः ही होने लगते हैं। भगवान श्री राम ने भी कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहे सपनेहु नहीं भावा। यानी शंकर जी से जो द्रोह करता है, शंकर भक्तों की जो बुराई करता है, निंदा करता है, या उस निंदा को सुनता है, या उस शिव के भक्तों के बारे में किसी निंदा को सुनता है या स्वयं करता है, वो हमसे दूर रहे। भगवान विष्णु भगवान शंकर के आराधक हैं, उन्होंने कई स्तुतियां की हैं, कई स्तोत्र किए हैं, हम उनका यहाँ उच्चारण करेंगे उन मंत्रों का। भगवान राम ने स्वयं रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की, उसके बाद ही वो लंका के लिए निकले, तभी उन्होंने सेतु बांधा और सेतु पर से रावण को मारने के लिए उद्यत हुए। भगवान श्री कृष्ण ने जो शिव की साधना की है और जो उनका मंत्र है, तंत्र है, उसका भी हम यहाँ उच्चारण करेंगे। विष्णु जी और अन्य देवी देवताओं द्वारा जो शिव का वो किया गया है, और जो उन्होंने सुदर्शन चक्र की प्राप्ति की है, वो भी हम यहाँ उच्चारण करेंगे इस फिल्म में। तो फिलहाल आज हम यहाँ शुक्र मंत्र और उनके अष्टोत्तर शतनाम की प्रस्तुति इस फिल्म में कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब आज हम यहाँ भगवान शंकर के बारे में कुछ विशेष मंत्र, विशेष प्रावधान और साधना विधियों का इस फिल्म में जिक्र करेंगे। मैं नरेंद्र सिंह तोमर, महाभारत के पराक्रमी योद्धा अर्जुन का वंशज और
महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी अपने स्वर में इसका उच्चारण प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये भगवान शंकर की जो विशेष साधना पद्धति है, विशेष पूजा पद्धति है, ये बहुत दुर्लभ सामग्री है। और इसमें साधारण गृहस्थों के लिए और तंत्र साधनाएं करने वालों के लिए, चाहे वो दक्षिण मार्गी पद्धति से करते हो, वाम मार्गी पद्धति से करते हो, और शिव की उपासना साधना पूजा अर्चना के लिए गुरुदीक्षा जो लेते हो, उन सब के लिए ये विशेष शिव शंकर जी की साधना की और उनके मंत्रों की, उनके तंत्र की ये प्रस्तुति है ये फिल्म। ये फिल्म कई भागों में जाएगी क्योंकि शिव तंत्र बहुत बड़ा है। सारे तंत्र के, सारे मंत्रों के, यंत्रों के रचयिता भगवान शंकर हैं, वही इनके स्वामी हैं, वही इनके रचयिता हैं। और उनके अलग अलग मंत्रों के अलग अलग प्रभाव हैं। अभी तक आपने केवल शिव पंचाक्षरी मंत्र ही शिव का सुना होगा और उसका असर देखा होगा या उसका असर नहीं भी देखा होगा। और वो शिव पंचाक्षरी नमः शिवाय, ये जो पांच अक्षर हैं इन्हीं को शिव पंचाक्षरी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा दूसरा मंत्र जो आपने सुना होगा वो उनका माँ मृत्युंजय मंत्र सुना हो, लेकिन उनकी सही विधियाँ क्या हैं, सही माँ मृत्युंजय मंत्र क्या है तथा अन्य मंत्र क्या हैं, शिव की तंत्र संबंधी साधना विधि क्या है और शिव के अन्य मंत्र क्या हैं, गृहस्थों को करने चाहिए, किस किस वजह से करने चाहिए, किस किस चीज़ में क्या लाभ होता है, किस दिन या किस वार को करने से क्या लाभ होता है, इत्यादि कई सारी चीज़ें हम इस फिल्म में वर्णन करेंगे। तो भगवान शंकर जो कि कल्याण के दाता हैं, मंगल के दाता हैं, भगवान शंकर की आराधना सारे देवी देवताओं ने और स्वयं भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने अनेकों बार की। और भगवान विष्णु जी ने तो उनकी आराधना करके सुदर्शन चक्र उनसे प्राप्त किया, तो वो सारे विधान प्रावधान हम यहाँ अपनी इस फिल्म में प्रस्तुत करेंगे। और ये फिल्म कई भागों में रहेगी, लेकिन इस फिल्म को हम पहले ही भाग से, चूंकि चैनल को चलना भी चाहिए और अच्छी चीज़ और शुद्ध चीज़ और सत्य चीज़ ग्रंथों से, शास्त्रों से, बहुत दुर्लभ ग्रंथों और बहुत दुर्लभ शास्त्रों से सामने आना चाहिए, इसके लिए यह प्रावधान हमने किया है कि यह फिल्म पहले भाग से ही और पहले दिन से ही शुल्क पर उपलब्ध होगी। ये फिल्म निशुल्क उपलब्ध नहीं होगी, तो इसका हर भाग सशुल्क आएगा। YouTube पर आप इसका भुगतान कर सकते हैं और इस फिल्म को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर ऑडियो चाहें तो ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम भगवान शंकर की ये फिल्म एक अति दुर्लभ सामग्री है जो हमने कई ग्रंथों से एकत्रित की है और यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। अब आप पहले, सबसे पहले शुक्राचार्य जी द्वारा जो मंत्र का जाप किया गया, भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को रण में निगल लिया था।
तो शुक्राचार्य को निगल लिया था, तो रणभूमि में निगलने के बाद अब शंभू के उदर में फिर जब वो फंस गए तो फिर शुक्र ने जिस मंत्र का जाप किया था शुक्राचार्य जी ने, अब हम उस मंत्र को यहाँ उच्चारण कर रहे हैं। इस मंत्र के बाद ही वो बाहर निकल पाए थे, भगवान शिव के अंदर कैद हो गए थे, उदरस्थ हो गए थे, उदर ग्रहण निगल लिया। तो जो शुक्राचार्य का ये मंत्र है हम इसे यहाँ उच्चारण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमस्ते देवेशाय, सुरासुर नमस्कृताय, भूत भव्य महादेवाय, हरित पिंगल लोचनाय, बलाय बुद्धि रूपिणे, वैयाग्रवसन्नच्छादायाय, ऋणयाय, त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय, हराय हरे नेत्राय, युगांत कर्णाय, नालाय गणेशाय, लोकपालाय, महाभुजाय, महाहस्ताय, शूलिने महादंष्ट्रिणे, कालाय महेश्वराय, अव्याय कालरूपिणे, नीलग्रीवाय, महोदराय, गणाध्यक्षाय, सर्वात्मने, सर्वभावनाय, सर्वगाय, मृत्युहंत्रे परियात्र सुव्रताय, ब्रह्मचारिणे, वेदांतगाय, तपोवंतगाय, पशुपतये व्यंगाय, शूलपाणये, वृषकेतवे, हरये जटिने, शिखंडिने, लकुटिने महायशे, भूतेश्वराय, गुहावासिने, वीणापड़वतालवते, अमराय, दर्शनीयाय, बालसूरे निभाय, शमशानवासिने, भगवते उमापतये, अरिंदमाय, भगस्याक्षिपातिने, पूष्णो दशन्नाशनाय, क्रूरकर्तकाय, पाशहस्ताय, प्रलयकालाय, उल्कामुखाय, अग्नि केतवे मुनये, दीप्ताय, विषांपतये, उन्नयते जनकाय, चतुर्थकाय, लोकसत्तमाय, वामदेवाय, वांगदाक्षिण्याय, वामतो भिक्षवे, भिक्षुरूपिणे, जटिने, स्वयं जटिलाय, शक्रहस्त प्रतिस्तंभकाय, वसूनाम स्तंभकाय, कृतवे कृतुकराय, कालाय मेधाविने, मधुकराय चलाय, वानस्पत्याय, वानस्नेति समाश्रम पूजिताय, जगद्दात्रे जगत्कर्त्रे, पुरुषाय शाश्वताय, ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय, त्रिवर्तमने भूतभावनाय, त्रिनेत्राय बहुरूपाय, सूर्यायुत संप्रभाय, देवाय सूर्य तूर्य निनाद सर्वबाधा विमोचनाय, बंधनाय सर्वधारिणे, धर्मोत्तमाय, पुष्पदंताय, विभागाय, मुखाय सर्वहराय, हिरण्यश्रवसे दारिणे, भीमाय भीम पराक्रमाय, ओम नमो नमः। ये शुक्र मंत्र है जो शुक्राचार्य जी ने भगवान के उदर में जपा था, और इसका मैं पुनः उच्चारण कर देता हूँ। ओम नमस्ते देवेशाय, सुरासुर नमस्कृताय, भूत भव्य महादेवाय, हरित पिंगल लोचनाय, बलाय बुद्धि रूपिणे, वैयाग्र वसन्न क्षदारेणाय, वैयाग्रवसन्नच्छदायारणेयाय, त्रैलोक्य प्रभवे ईश्वराय, हराय हरनेत्राय, युगांतकरणाय, नलाय गणेशाय, लोकपालाय, महाभुजाय, महास्ताय, शूलिने महादंष्ट्रिणे, कालाय महेश्वराय, अव्ययाय कालरूपिणे, नीलग्रीवाय, महोदराय, गणाध्यक्षाय, सर्वात्मने, सर्वभावनाय, सर्वगाय, मृत्युहंत्रे, परेयात्र सुव्रताय,
ब्रह्मचारिणे वेदांतगाय तपोवंतगाय पशुपते व्यंगाय शूलपाणे वृषकेतवे हरे जटने शिखंडिने लकुटिने महायशे भूतेश्वराय गुहावासिने वीणापणवतालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्य निबानाय शमशानवासिने भगवते उमापते अरिंदमाय भगस्याक्षिपातिने पूष्णो दशन्नाशनाय क्रूरकर्तकाय पाशस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुखायाग्निकेतवे मुनये दीप्ताय विषाम्पतये उन्नते जनकाय चतुर्थकाय लोकसप्तमाय वामदेवाय वागदाक्षिण्याय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्त प्रतिस्तंभकाय वसूनाम स्तंभकाय कृतवे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चाला चलाय वानस्पतायाय वानसनेति समाश्रम पूजिताय जगद्धात्रे जगत्कर्त्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माय धर्मायक्षाय त्रिवर्तमने भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूरायुत संप्रभाय देवाय सूर्वतूर्य निनादि ने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। ये भगवान शंकर का शुक्र मंत्र है और इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अमर अजर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात ही वे भगवान शंकर के उधर से बाहर आए थे। तो वेदवर मुनिवर शुक्राचार्य जी 3000 साल रहे भगवान शंकर के उधर में। तो उस समय उन्होंने फिर बाहर आके धैर्यशाली तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। तो अंधक उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का 108 नामों से स्मरण कर रहा था, स्तुति कर रहा था। तो अंधकासुर की जो स्तुति है 108 नाम है भगवान शंकर के, इनको अष्टोत्तर शत नाम भगवान शंकर के कहा जाता है। तो अब हम यहाँ अंधकासुर द्वारा जो जाप किए गए हैं उनको यहाँ उच्चारण करते हैं। भगवान शंकर के 108 नाम, तो ये 108 नाम है भगवान शंकर के। हम यहाँ अंधकासुर द्वारा जपे गए अष्टोत्तर शत नाम यानी 108 नामों का उच्चारण करने से पहले शुक्र जी द्वारा जो अभी हमने संस्कृत में उनका स्तुति और वो स्तोत्र सुनाया जो शुक्र ने जपा था, उसका हम हिंदी उच्चारण प्रस्तुत कर देते हैं, बता देते हैं कि क्या था। इसमें शुक्र जी ने ये प्रार्थना यहाँ संस्कृत में की थी। ओम जो देवताओं के स्वामी, सुर असुर द्वारा वंदित, भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली, बुद्ध स्वरूप बागंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान, ईश्वर हर हरिनेत्र प्रलयकारी अग्नि स्वरूप गणेश लोकपाल महाभुज महाहस्त त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले काल स्वरूप महेश्वर अविनाशी कालरूपी नीलकंठ महोदर गणाध्यक्ष सर्वात्मा सबको उत्पन्न करने वाले
सर्वव्यापी मृत्यु को हटाने वाले पर्यात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी वेदांत प्रतिपाद्य तप की अंतिम सीमा तक पहुंचने वाले पशुपति विशिष्ट अंगों वाले शूलपाणी वृषध्वज पापहारी यानी पापों को नष्ट करने वाले जटाधारी शिखंड धारण करने वाले दंडधारी महायशस्वी भूतेश्वर गुहा में निवास करने वाले वीणा और पणव पर ताल लगाने वाले अमर दर्शनीय बाल सूर्य सरी के रूप वाले शमशानवासी ऐश्वर्यशाली उमापति शत्रुदमन भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले पूषा के दांतों के विनाशक क्रूरता पूर्वक संहार करने वाले पाशधारी प्रलयकाल स्वरूप उल्कामुख अग्निकेतु मननशील प्रकाशमान प्रजापति ऊपर उठाने वाले जीवों को उत्पन्न करने वाले तुरीय तत्व स्वरूप लोकों में सर्वश्रेष्ठ वामदेव वाणी की चतुरता रूप वाम मार्ग में भिक्षु रूप भिक्षुक जटाधारी जटिल दुराराध्य इंद्र के हाथों को स्तंभित करने वाले वसुओं को विजित करने वाले यज्ञ स्वरूप यज्ञकर्ता काल मेधावी मधुकर चलने फिरने वाले वनस्पति का आश्रय लेने वाले वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित जगद्धाता जगत्कर्ता सर्वांतर्यामी सनातन ध्रुव धर्माध्यक्ष भू भुव स्व इन तीनों लोकों में विचरने वाले भूतभावन त्रिनेत्र बहुरूप 10,000 सूर्यों के समान प्रभाशाली महादेव सब तरह के बाजे बजाने वाले संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले बंधन स्वरूप सबको धारण करने वाले उत्तम धर्म रूप पुष्पदंत विभाग रहित मुख्य रूप सबका हरण करने वाले स्वर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले और मुक्त के द्वार स्वरूप भीम पराक्रमी है उन्हें नमस्कार है नमस्कार है। ये इसका हिंदी अर्थ था शुक्र मंत्र का, जो शुक्र की उपासना थी। तो ये शुक्र मंत्र का मैंने यहाँ हिंदी अर्थ बता दिया। अब हम अंधक का जो अष्टोत्तर शत नाम है 108 नाम है उनका यहाँ उच्चारण करते हैं। तो वो त्रिशूल पर उल्टा लटका हुआ, उसका पूरा शरीर कांटे की तरह सूख गया था और वो वर्षों से ये 108 नाम जाप रहा था। फिर जो है सब महान भयों से वो मुक्त हो गया। फिर भगवान शंकर ने उसे मुक्त करके त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। उसके पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले, हे दैत्येंद्र, मैं इंद्रिय निग्रह नियम शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3,000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी ही चाहिए। तो इसके बाद में अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वो हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान से बोला। तो जो भी है, अब हम पहले यहाँ पर उनके 108 नाम का अष्टोत्तर शत नाम भगवान के उनका उच्चारण करते हैं। और तो ये भगवान के अष्टोत्तर शत नाम यानी 108 नाम है
ये दुर्लभ हैं और बहुत महिमा और गुणमान है, और इनका उच्चारण बहुत कल्याण करता है, उसका आगे कुछ हम वर्णन करेंगे। महादेवम विरूपाक्षम चंद्रार्थ कृत शेखरम अमृतम शाश्वतम इस्ताणुम नीलकंठम पिनाकिनम वृषभाक्षम महागेयम पुरुषम सर्वकामदम कामारिम कामदहनम कामरूपम कपर्दिनम विरूपम गिरिशम भीमम स्रक्किणम रक्तवाससम योगिनम कालदहनम तिरप्रगनम कपालिनम गूढ़व्रतम गुप्तमंत्रम गंभीरम भावगोचरम अणिमादिगुणाधारम त्रिलोक्यैश्वर्यदायकम् वीरम वीरहणम घोरम विरूपम मासलम पटुम महामासादन मुन्मतम भैरवम वै महेश्वरम। त्रैलोक्य द्रावणम लुब्धम लुब्धकम यज्ञसूदनम कृत्तिकानां सुतैर्युक्त मुन्मतं कृत्तिवाससं गजकृत्ति परिधानं शुद्धं भुजगभूषणं दत्तालंबं च वेतालं घोरं शाकिनिपूजितं अघोरं घोरदैत्यग्नं घोरघोषं वनस्पतिं भस्मांगं जटिलं शुद्धं भेरुंड शत सेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पंचभूताश्रितं खगं क्रोधितं निष्ठुरं चंडं चंडीशं चंडिकाप्रियं चंडतुंडं गरुत्मन्तं निस्त्रिशं शवभोजनं लेलिहानं महारौद्रं मृत्युं मृत्योर्गोचरम् मृत्योर्मृत्युम् महासेनम् शमशानारण्यवासिनम् रागम् विरागम् रागान्धम् वीतरागम् शतार्चिषम् सत्त्वम् रजस्तमो धर्मम् धर्मम् वास्वाजनुजम् सत्यम् त्वसत्यम् सद्रूप सद्रूप हेतुकम् अर्धनारीश्वरं भानु भानु कोटि शत प्रभं यज्ञं यज्ञपतिं रुद्रमीशानां वरदं शिवं अष्टोत्तरशतं योतन्मूर्तीनां परमात्मन शिवस्य दानवो ध्यायन् मुक्तस्तस्मान् महाभयात। ये भगवान शंकर के 108 नाम अष्टोत्तरशत नाम है, इनका पुनः उच्चारण कर रहा हूं जिससे इसकी पुनरावृत्ति को आप सुन सकें। महादेवम विरूपाक्षम चंद्रार्थ कृत शेखरम अमृतम शाश्वतम स्थाणुम नीलकंठम पिनाकिनम वृषभाक्षम महागेयम पुरुषम सर्वकामदम कामारिम काम दहनम कामरूपम कपर्दिनम विरूपम गिरीशम भीमम स्रक्किणम रक्तवाससम योगिनम कालदहनम त्रिप्रगुनम कपालिनम गूढ़व्रतम गुप्त मंत्रम गंभीरे भावगोचरम अणमादि गुणाधारम त्रिलोक्येश्वर्यदायकम वीरम वीरहणम घोरम विरूपम मासलम पटुम महामासाद मुनमत्तम भैरवम वै महेश्वरम त्रैलोक्य द्रावणम लुब्धम लुब्धकम यज्ञसूदनम कृत्तिकानाम सुतैर्युक्त मुन्मत्तम कृत्तिवाससम गजकृत्य परिधानम शुद्धम भुजगभूषणम दत्तालंबम च वेतालम घोरम शाकिन पूजितम
अघोरम घोर दैत्यग्नम घोर घोषम वनस्पतिम भस्मांगम जटिलम शुद्धम भेरुंड सत्त सेवितम भूतेश्वरम भूतनाथ पंचभूताश्रितम खगम क्रोधितम निष्ठुरम चंडम चंडीशम चंडिका प्रियम चंड तुंडम गरुमंतम निस्तृशम शव भोजनम लेलिहानम महारौद्रम मृत्युम मृत्योर्गोचरम मृत्योर्मृत्युम महासेनम शमशानारण्यवासिनम रागम विरागम रागांधम वीतरागम शतार्चिषम सत्वम रजस्तमो धर्मम धर्मम वासवानुजम सत्यम त्वसत्यम सद्रूपम सद्रूपहेतुकम अर्धनारीश्वरम भानुम भानुकोटिशतप्रभम यज्ञम यज्ञपतिम रुद्रमीशानाम वरदम शिवम अष्टोत्तरशतम योतन्मूर्तिनाम परात्मनः शिवस्य दानवो ध्यायन् मुक्तिस्त इस्मान्मन महाभयात। ये भगवान शंकर के 108 नाम थे और ये अष्टोत्तर शत नाम कहा जाता भगवान शंकर का। और उन्होंने जो पाप किए थे अंधक ने और जो पार्वती जी पर काम दृष्टि डाल दी थी और निंदित कर्म कर दिए थे, तो उसकी सबकी क्षमा प्रार्थना की, तब जा करके भगवान शंकर प्रसन्न हुए। और भगवान चंद्रमौली उनके लिए तो फिर उन्होंने उनको क्षमा किया और उसका दोष दूर किया। फिर पार्वती जी ने उसके उसे पुत्र मान करके उसके मस्तक को सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। तो ये भगवान शंकर का जो अष्टोत्तर शतनाम है, ये सारे मनोरथों की पूर्ति करता है, सारे पापों के दोषों को नाश करता है और इसमें बहुत भेद छुपा हुआ है। अब ये फिल्म को हम यहीं पूरी करते हैं। इसके बाद भगवान शंकर के कुछ अन्य रहस्य, कुछ रहस्यमयी कथाएं तथा कुछ रहस्यमय साधनाएं और उनके विधान, तंत्र विधान, मंत्र विधान, कई चीज़ें हैं जो अब अपनी अगली फिल्म में हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तब तक ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।